हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गुरक्षित और आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स इन 2020। सो सी यू गाइस आफ्टर द इंट्रो इन द ट्रेलर। फ्रॉम द बार ट्रेन टू अ टूर बस स्टिल द सेम गेम एक्सेप्ट आई पुल इन मोर हाउ हेवी इज दैट लाइट वर्क इन द बेस ऑन द ट्रैक ऑन माय फेस इन द बैक लाइक आई एम टेकिंग अ स्लैप आई नीड टू ड्रिंक दिस स्ट्रेट फ्रॉम द टैप And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. How heavy is that? Light work and the bass on the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way. So let us straight away come to the model number. The model number of this laptop is HP 14S Ryzen 5. अगर ये मॉडल नंबर आप कहीं पे भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट में लिख जाओगे तो ये आपको इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। सो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है AMD Ryzen 5 जो इंटेल कोर i5 नहीं है बट Ryzen 5 है। मैं आपको इसे बाद में बताता हूँ कि हम इंटेल कोर i5 क्यों ना लें और Ryzen 5 क्यों लें। अब नेक्स्ट, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीलोडेड विंडोज 10 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पहले से प्रीलोडेड मिलता है। अब इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है 14 इंच का और ये फुल HD है और इसकी ब्राइटनेस है 250 निट्स। निट्स ब्राइटनेस को कंपेयर करने के लिए एक यूनिट है जिससे हम ब्राइटनेस को कंपेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन की, तो इसमें आपको 1920x1080 का स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है। अब मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB RAM मिलता है जो 16GB RAM तक एक्सपेंडेबल है। अब फिर स्टोरेज, इसमें आपको 512GB SSD मिलती है जो मतलब बहुत अच्छी स्टोरेज है। अगर किसी स्टूडेंट के लिए आप ये लेना चाहते हो सो इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं प्रोग्राम सेव कर सकता है, किसी को गेम खेलनी है तो गेम डाउनलोड कर सकता है और बहुत कुछ। सो अभी हम इसकी बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। सो ये अभी 7 hours and 30 minutes तक लास्ट करेगी इसकी बैटरी लाइफ। जैसे कि अगर आप अभी फुल चार्जिंग पे स्टार्ट करोगे अपना लैपटॉप सो ये 7 hours 30 minutes तक कंटिन्यूसली चल सकता है इन वन गो। सो इसमें आपको AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जैसे कि अगर किसी को हाई लेवल पे गेमिंग या कोडिंग करनी है या गेमिंग या प्रोग्रामिंग सो वो इस पे कर सकता है। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें कैमरा माइक्रोफोन कौन सा मिलता है। इसमें हमें HP TrueVision 720p HD कैमरा के साथ इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन भी मिलता है प्री इंस्टॉल्ड इसमें। सो अभी हम इसकी वेट की बात कर लेते हैं, तो इसका वेट हमें मिलेगा 1.46 kg में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास लैपटॉप है सो ये भी तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब कोई भी इसे आसानी से उठा सकता है। और एक स्टूडेंट्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट्स को कहीं पर जाना हो अगर कहीं ट्रिप, और साथ में वो इसे कैरी भी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हल्का लैपटॉप है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये भी मेरे हाथ में लैपटॉप है जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अभी हम इसके कुछ पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इधर आप देखोगे तो इधर आपको मिल जाएगा एक चार्जिंग पोर्ट, इधर एक HDMI पोर्ट, इधर दो सुपर स्पीड USB पोर्ट्स और एक टाइप सी केबल का सुपर स्पीड पोर्ट, जिसमें जैसे कि आपके पास अगर आईफोन है तो आप इससे चार्ज कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। और इधर एक नीचे हेडफोन्स के लिए भी एक अलग से पोर्ट दिया हुआ है। सो अभी हम बात कर लेते हैं अगर आप कहीं से परचेज करोगे इस लैपटॉप को सो आपको इसके बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको लैपटॉप मिलेगा, चार्जिंग केबल मिलेगी और यूज़र मैनुअल मिलेगा कि आप इस लैपटॉप को कैसे यूज़ कर सकते हो या कुछ जेस्चर्स और कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यही कुछ चीज़ें आपको इस लैपटॉप के बॉक्स में मिलेंगी। और बाकी आप अलग से स्लीव ले सकते हो, जो मैंने अलग से जैसे कि जो अलग अटैचमेंट्स होती है स्लीव फिर माउस, जो मैंने अलग अलग से लिए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिया हुआ है इसके लिए स्लीव जो बहुत ही अच्छा है। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेज़ॉन की लिंक, अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। अभी बात की जाए कि आपको इसमें कितने ईयर्स की वारंटी मिलती है, तो इसमें 1 year की वारंटी मिलती है। अब बात की जाए मेरे रिव्यू की इस लैपटॉप के बारे में सो मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छा ही स्टूडेंट को और क्या चाहिए। इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में से, फिर उसके बाद आप इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हो फोटोशॉप और फिल्मोरा में। सो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, तो एक स्टूडेंट के हिसाब से तो मुझे तो ये लगता है बेस्ट लैपटॉप है। बट अगर आपको लगता है कि कोई और लैपटॉप इससे अच्छा है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बता सकते हो। तो ये जो मेरा रिव्यू है ये मैं आपको तब बता रहा हूँ, मैं इस लैपटॉप को 2 महीने तक यूज़ कर चुका हूँ और इसमें मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इसमें सब कुछ अच्छे से वर्क करता है। सो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा लैपटॉप है और आपको अगर लैपटॉप चाहिए तो आप ये ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि हम क्यों कोर i5 ना लेकर, इंटेल कोर i5 ना लेकर हम Ryzen 5 क्यों लें। सो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि
जो इसकी प्राइसिंग है वो इंटेल कोर 5 से 5-6,000 चीपर है, बट जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है, बट सिमिलर आप कह सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। सो इसका हमें आंसर सिंपल कुछ पॉइंट्स पे देना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जैसे कि आप कहीं पर भी, जो मैं आपको पॉइंट पहले बता चुका हूँ। फिर सेकेंड पॉइंट है कि बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, अगर ये सीधा वन गो में 7 hours and 30 minutes तक चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी स्टूडेंट के लिए। फिर थर्ड इसमें पॉइंट आता है कि इसमें ग्राफिक कार्ड भी है, सो आप गेमिंग एंड कोडिंग हाई लेवल पर कर सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि एक तो चीपेस्ट है और बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स में आते हैं। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो है इसमें आपको SSD मिलता है। अब SSD भी की वजह से ये बहुत लाइट और फास्ट है और बहुत अच्छी तरीके से चलता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लैपटॉप की और बाकी एसेसरीज जो मैंने ली है वो मैं अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।